We will start the new chapter, chapter 14, get rid of garbage. What do you mean by that? Get rid of garbage. क्या समझते हो इससे? Get rid of garbage. हाँ, क्या समझते हो आप लोग get rid of garbage? Garbage का मतलब क्या होता है? What do you mean by garbage? Yes, Rishabh. कचरा. कचरा. हाँ ओके. और रीड मतलब? रीड मतलब? गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग अन्नपूर्णा. गुड मॉर्निंग मैम. यस गुड मॉर्निंग. और रीड मतलब गेट रीड ऑफ गार्बेज. यस आरुषि गुड मॉर्निंग. तो गेट रीड ऑफ गार्बेज चैप्टर 14 मतलब कचड़ों से पीछा छुड़ाना. गेट रीड ऑफ गार्बेज है ना. ओके अन्नपूर्णा स्टार्ट रीडिंग. Yes, 20% of India's population lives in cities. Studies show that each person in the city produces half a kilogram of garbage each day. Waste is a variety of materials that are no longer required by people. We commonly call waste as garbage. Garbage is a natural part of our life on the earth and we cannot avoid it. Okay, so 20% of India's population live in city. Where they live? In city. ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? City में. Village में रहना लोग पसंद ज़्यादा नहीं करते. तो most of them live in the city. Studies shows that each person in the city produces half of kilogram of garbage every day. Okay? एक पढ़ाई में शो हुआ था कि half kilogram मतलब 1 kg का half 0.25 kg है ना. उतना सारा गार्बेज हर दिन लोग प्रोड्यूस करते हैं. आपके घर से भी कचरा निकलता होगा डेली? निकलता है कि नहीं? यस ना. सो वेयर यू डंप दैट वेस्ट? कहाँ डंप करते हो वो वेस्ट को आप लोग? मैम गार्बेज ट्रक. गार्बेज ट्रक में डंप करते हो? बस बहुत लोग गार्बेज डंप पे ट्रक में डंप नहीं करते ना. बहुत लोग ऐसे ही रोड पे फेंक देते हैं है ना. जिससे क्या होता है? बहुत पोल्यूशन होता है. गार्बेज को गार्बेज की जगह पे ही डालना चाहिए. नहीं तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस देन? अगर गार्बेज को गार्बेज की जगह पॉपुलेशन होता है. क्या होता है? मैम पॉपुलेशन. मैम पोल्यूशन. हाँ वेरी मच पॉल्यूशन. डिसीजेस सब होते हैं है ना. यस. सो वेस्ट इज अ वैरायटी ऑफ मटेरियल दैट नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय पीपल. अ वेस्ट मींस वही चीज होती है जो हमें नहीं चाहिए होती. वही हम डस्टबिन में डाल देते हैं ना. जो चीज हमको नहीं चाहिए होती वो हम अपने डस्टबिन में डाल देते हैं. वी कॉमनली कॉल वेस्ट एज गार्बेज. वेस्ट को हम गार्बेज बुलाते हैं. गार्बेज इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ अवर लाइफ ऑन द अर्थ and we cannot avoid it and it is a natural part hai na. ek natural cheez hai jo hum avoid nahi kar sakte. garbage hamare daily life ka part hai. daily life se hamare garbage nikalta hai. peel off of vegetables ho gaya, aapke packet of chips ho gaya, packet of biscuit ho gaya, anything everything is the part of the garbage hai na. jo hamare use mein nahi hai to we throw that in dustbin hai na. dustbin mein dal dete hain ki ha jab truck aayega garbage wala will dump in that. कोई घर के बाहर से कचरा नहीं फैलाता है ना. कौन कौन घर के बाहर कचरा फैलाता है? क्या कोई घर के बाहर कचरा फैलाने वाला? मैं इसको अपने बंद कर सकता हूँ. यस माइंड नहीं दे रहा हो ना. कोई घर के बाहर कचरा नहीं फैलाता क्योंकि क्या होता है उससे गंदगी होती है ना. इट लुक्स वेरी अगली इफ देयर इज अ वेस्ट नियर योर गेट और नियर योर हाउस. So we used to keep waste out of our house. Okay. Yes, Parsh. Start reading. Okay, ma'am. Two types of waste. Mother Nature reuses all of her own waste. For example, dead leaves decomposed to provide nutrients to plants. Such waste which is recycled by nature is called biodegradable waste. Some other biodegradable waste is paper left over food
fishes, etc. However, today man's activities have disturbed this cycle of nature. We create a lot of toxic and non-biodegradable waste which do not decompose easily. Such waste is harmful for us and our planet. So types of waste. Now there are two types of waste, है ना? Biodegradable waste and non-biodegradable waste, है ना? So biodegradable waste वो हो जाता है waste जो हम recycle कर सकते हैं. Recycle कर सकते हैं मतलब उसको वापस में use में ला सकते हैं, है ना? अगर उसको फेंक दिया तो भी ठीक है, नहीं भी फेंका तो अपन उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? जैसे वेस्ट हो गया पेपर. पेपर इज अ वेस्ट, हम समझते हैं. कुछ कुछ पेपर हमारे काम के नहीं होते, पर पेपर कैन बी यूज ना फॉर यू कैन यूज पेपर फॉर जब भी हम लोग अलमारी में हमें कुछ बिछाना होता है ना. यू कैन यूज देयर पेपर. यू कैन यूज पेपर फॉर कवरिंग योर बुक्स और कॉपीज. पेपर्स कैन बी यूज एज आर्ट एंड क्राफ्ट ऑल्सो, है ना? आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत लोग बनाते हैं. तो अगर हम पेपर को नहीं भी फेंकते हैं तो ओके है, क्योंकि हम पेपर को यूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं. लेफ्ट ओवर फूड. लेफ्ट ओवर फूड बहुत लोग फेंक देते हैं, बट वी कैन यूज दैट फूड टू गिव टू काउस, डॉग्स, है ना? उनको दे सकते हैं कि वो खा सके उसको. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच डू नॉट डिकम्पोज इजली, सच वेस्ट इज हार्मफुल फॉर अस, ठीक है? अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आ जाता है हमारा क्या? प्लास्टिक. प्लास्टिक आ जाता जो नहीं हो सकता, जो रिसाइकिल नहीं किया जा सकता. क्या होता है? प्लास्टिक को हम इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से काउस उसे खाती हैं एंड दे गेट डिस्टर्ब्ड बाय दैट, है ना? उन लोग खा लेती हैं, या फिर प्लास्टिक इधर उधर फेंका मिलता है हमें. प्लास्टिक जलती है तो बहुत गंदा स्मोक निकलता है, जो हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है. सो प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी रिसाइकल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी रिसाइकल. ओके, सो व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट? बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? Biodegradable waste we recycle, biodegradable waste को हम recycle कर सकते हैं, non-biodegradable waste को हम recycle नहीं कर सकते हैं. Okay? Yes, Arushi, start reading. Garbage accumulation. Garbage dumps contains both types of waste. Rotting vegetables, food leftovers, meat, plastic, paper, glass, cloth, and many other useless things are example of waste. Garbage accumulates due to rubbish, pollution, and okay, garbage accumulation. Garbage dumps contain both type of waste. अब garbage जब हम dump करते हैं तो हम उसमें ये नहीं देखते कि गीला कचरा कहाँ है, सूखा कचरा कहाँ है. No, we dump all together, है ना? सबको साथ में हम dump कर देते हैं. Rotting vegetable, food leftovers, meat, plastic, paper, glass, cloth and many other useless things, है ना? Example of waste. ये सारे waste हम इकट्ठा एक जगह ही dump कर देते हैं. Yes, Neela, start reading. Unmute your mic, beta. Yes, ma'am. What happened, Neela? What work were you doing? And I was teaching. Ma'am. Yes, Rishabh. मैम मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए मैम मुझे आवाज नहीं आ रही थी. गार्बेज एक्यूमुलेशन सेकंड पैरा, यू हैव टू रीड गार्बेज एक्यूमुलेशन सेकंड पैरा.
Yes. Garbage dumps contain both types of waste. Rotting vegetables, food, leftover meat, plastic, paper, glass, cloth, and many other useless things are examples of waste. Garbage accumulates due to rise in population and unavailability of proper disposal. At most places, the municipality finds it difficult to collect garbage and dispose it off every day. So garbage overflows from the dustbin, from the dustbin and gets driven on the streets. Okay. So garbage accumulates due to the rise in population and unavailability of proper disposal. अब garbage इतना बढ़ क्यों रहा है? क्यों? क्योंकि population जो है, जो इंडिया की population है, वो बढ़ती जा रही है and garbage proper जगह पे dispose नहीं हो रहा है और जगह भी कम है जिसकी वजह से disposal नहीं हो पा रहे हैं. That's why there is this problem of garbage disposal, है ना? At most places, the municipality finds it difficult to collect garbage and dispose it off every day. बहुत जगह ऐसा होता है कि municipality को difficulty लगती है कि ये कैसे garbage को collect करें and dispose off करें. So garbage overflows from dustbin and gets strewn on the street. अब क्या होता, कहीं कहीं जगह पे आप लोगों ने देखा होगा कि dustbin से ऊपर कचरा बढ़ता जा रहा है, dustbin के नीचे कचरा लोग रख रहे हैं, है ना? जो कचरा वो रहता है वो क्या होता है, रोड पे आ जाता है टू मेनी एनिमल्स और कोई गाड़ी से वो कर दिया या फिर अपने आप उड़ के आ जाता है जिसकी वजह से पूरी रोड खराब हो सकती है ना? सो दिस ऑल थिंग्स आर नॉट लुक्ड प्रॉपरली बाय द गवर्नमेंट बिकॉज उतना जगह भी नहीं है डिस्पोजल के लिए. यस, द सैनिटरी वर्कर्स ऑफन कलेक्ट द गार्बेज एंड डम्प्स इट इन माउंड इन एम्प्टी रेसिडेंशियल एरिया मेकिंग लाइफ मिजरेबल फॉर द रेसिडेंट. अभी क्या होता है, ये जो रहते हैं सैनिटरी वर्कर्स, है ना, जो वर्कर्स रहते हैं उन लोग क्या कहते हैं, कोई खाली जगह पाते हैं वहां जाके सारे कचरे डंप कर देते, सारे गार्बेज दे यूज टू गो एंड डंप देयर थ्रू बाय विच पीपल गेट अफेक्टेड, है ना? पीपल को बहुत दिक्कत होती है ये काम करने में, बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो जाते हैं इससे बिकॉज ऑफ द बैड स्मेल, बिकॉज ऑफ द मैनी डिसीजेस गोइंग अराउंड एंड बिकॉज वो गंदगी इतनी ज्यादा होती है कि लोगों को परेशानी होती है. द ओपन डंपिंग इज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलोड गार्बेज कलेक्शन वर्क. अब ओपन डंपिंग मतलब कहीं भी खुले जगह पे आपने डंप कर दिया अपना कचरा जो भी ओवरलोड हो रहा है. एट टाइम्स द सैनिटरी वर्कर्स आल्सो कलेक्ट ऑल द गार्बेज इन अ पाइल एंड बर्न इट. ठीक है, बहुत बारी क्या होता है जो सैनिटरी वर्कर होते हैं वो सारे गार्बेज को कलेक्ट करते हैं और जला देते हैं वहीं पे. बर्निंग गार्बेज पोल्यूट द एयर एंड एमिट्स अ बैड स्मेल. अब वो जो कचरा ऑलरेडी गंदा है उसको आप जला रहे हो तो क्या होता है, बहुत सारा स्मोक निकलता है जिसकी वजह से एरिया और पोल्यूट हो जाता है. If the people join hands with sanitary workers and help the municipality, they can ensure the proper disposal of garbage. अगर हम भी sanitary worker के साथ help करें, कचरा इतना ना फैलाएं, कचरा जहाँ फेंकना चाहिए वहाँ फेंके, so we can help them for proper disposing of the garbage. है ना, उससे हम properly garbage को dispose कर सकते हैं. Okay? Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How many types of waste are there? Yes, ma'am. How many types of waste? Yes, ma'am. How many types of waste? DO, degradable waste, non-DO degradable waste. Ma'am, non-degradable BO waste. Waste kya hota? Non-biodegradable waste. What is non-biodegradable waste? Non-biodegradable waste did not recycle. हाँ, उसको हम लोग recycle नहीं कर सकते हैं, लेकिन biodegradable waste को, जो biodegradable waste होता है, recycle, उसको हम recycle recycle कर सकते हैं. हाँ, recycle कर सकते हैं. Okay.
Yes, come to page number 85. Page number 85. There one activity is given. If the population of India is 1 billion, calculate the and write how many waste is generated if each person produces a half kilogram of garbage every day. अगर इंडिया की पॉपुलेशन 1 billion है और हर एक पर्सन हाफ के जी वेस्ट निकालता है अपना घर से तो टोटल कितना निकालता होगा. दिस यू विल कैलकुलेट एंड राइट हियर. ओके, व्हाट डू यू डू विद द वेस्ट इन योर हाउस. आप अपने वेस्ट के साथ क्या करते हो घर पे. राइट देयर नाउ इटसेल्फ राइट इट बाय योर ओन वर्ड्स. यू हैव टू राइट दिस. राइट इट व्हाट डू यू डू विद द वेस्ट इन योर हाउस. I throw it in garbage truck or sometime recycle it. Okay. Many questions are there. Answer all questions now itself. Do it. Where do you throw it? कहाँ garbage throw करते हो? लिखो उसको. Who takes away the garbage? कौन garbage लेके जाता है? What waste material are generated in your house on a regular basis? कौन सा waste हर दिन निकलता है आपके घर से? कौन सा garbage? That you have to write. Write it, everyone. Okay. Class, time is up. This question you have to do in your book and post it in the group. Everyone, जिसका नहीं हुआ है, वो करना और group में post करना. Okay. This is your homework. जिसका नहीं हुआ है. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. Page number 85. Okay. Thank you, class. Have a wonderful day ahead. Thank you, ma'am.